दोस्तों, आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। जैन धर्म जैन शब्द जिन से बना है, और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द का अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है पार उतारने वाला। जैन संतों को तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन 24 तीर्थंकर में सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव या आदिनाथ, उसके बाद अजितनाथ, संबलनाथ, अभिनंदन, धर्मनाथ, पदम प्रेम, सुपाश्रव, चंद्रपरम, पुष्यदंत, शीतलनाथ, श्रेयांश, वासपूज्य, विमल, अनंत, धर्म, शांतिनाथ, कुबंद, अरय, मल्लिनाथ, मुन्नी, सुबत, नेमिनाथ, अरिष्ट, नेमी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ देवी में तीर्थंकर हुए हैं। और महावीर जैन 24वें तीर्थंकर हुए हैं। दोस्तों, आज हम सबसे पहले तीर्थंकर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, या आदिनाथ। दो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव अरिष्ट नेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव का यजुर्वेद में भी मिलता है। दोस्तों, ये बात ध्यान रखने वाली है कि ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी का उल्लेख है जो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋषभदेव का यजुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है। जो तीर्थंकर हुए हैं उनमें ऋषभदेव और अरिष्ट नेमी का उल्लेख है जो ऋग्वेद में मिलता है, और ऋषभदेव का यजुर्वेद में मिलता है। भगवत पुराण वे विष्णु पुराण में ऋषभ का उल्लेख नारायण विष्णु के रूप में, विष्णु के अवतार के रूप में किया गया है। भगवत पुराण या विष्णु वे विष्णु पुराण में ऋषभ जो तीर्थंकर हुए हैं ऋषभदेव, उनका उल्लेख नारायण या विष्णु के अवतार के रूप में मिलता है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ। पिता का नाम नाभिदेव, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, क्षत्रिय राजा थे। माता इनकी मारुदेवी, पत्नी अशावंती सुनंदा। इनके 100 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। ऋषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। ऋषभदेव के पुत्र भरत सबसे प्रतापी राजा बना। इसी के नाम पर हमारे भारत का नाम भारत पड़ा। ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे पुत्र का नाम बाहुबली। इसके नेक्स्ट तीर्थंकर जो 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।